चैनल में आपका स्वागत है और आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जो दूसरा गीत है और उसका शीर्षक है कार्नेलिया का गे, उसके शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और इस गीत पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम और अब इसके शब्दार्थ। अरुण कहते हैं लालिमा से युक्त, मदिर मस्ती पैदा करने वाला, क्षितिज जहां धरती और आसमान हमें आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं उस रेखा को क्षितिज कहते हैं, सरस यानी रस से भरा हुआ, ताम्रस यानी कमल, तांबा और रक्तोत्पल, तीन इसके तात्पर्य हैं, विभा का तात्पर्य है किरण, तरुशिखा यानी पेड़ की शाखा, मंगल यानी शुभ, सुरधनु अर्थात इंद्रधनुष, मलय दक्षिण भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जहां पर चंदन के पेड़ हैं, तो वहां से जो हवा आती है उसमें खुशबू होती है, चंदन की सुगंध होती है, समीर यानी वायु, नील यानी घोंसला, पक्षियों का घोंसला, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, यहां समुद्र के लिए इसका प्रयोग किया गया है, हेमकुंभ यानी सोने का घड़ा, उषा यानी प्रातः काल का कोमल सूर्य और रजनी अर्थात रात। अब देखिए इसका संदर्भ, यह कविता जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है और जिसे अंतरा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, शीर्षक है कार्नेलिया का गीत। प्रसंग, ये कार्नेलिया का गीत शीर्षक जो इसमें रचना को हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं, ये उनके दूसरे नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। वह सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि वह एक लंबी यात्रा करके वहीं पहुंच गई है जहां पर उसे पहुंचना चाहिए था। कार्नेलिया के इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा है, प्रकृति का सौंदर्य है और भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान भी इसमें मौजूद है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान लोगों को भी जो सहारा देता है, लहरों को किनारा देता है, ये हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में यही भारत देश की पहचान भी है। और अब करते हैं व्याख्या। कार्नेलिया भारतीय संगीत को स्मरण करते हुए ऐसा गीत गा रही है जिसे उसने पहले कभी सुना था। इसमें भारत देश के बारे में सुंदर वर्णन है। तो वह कहती है, लालिमा से युक्त अत्यंत प्रिय लगने वाला यह हमारा देश भारतवर्ष है। यहां आकर ही क्षितिज को भी मानो सहारा मिल जाता है। अगले पद में कह रहे हैं, रस से भरे हुए लाल रंग वाले कमल पुष्प पर छाई किरणों पर पेड़ की एक सुंदर शाखा डोल रही है मानो वह नाच रही हो, मानो उसने अपने जीवन की हरितिमा पर लाल रंग का शुभ कुमकुम छिटक लिया हो। और तीसरा पद कहता है, छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे लगने वाले रंगीन पक्षीगण अपने पंखों को फैलाकर मलय पर्वत से बहकर आने वाली सुगंधित हवा का आश्रय लेकर उड़े चले जा रहे हैं। वे पक्षी उसे अपना प्यारा घोंसला समझकर इसी देश की ओर उड़ते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद वाला पद है, बादलों से होने वाली जल वर्षा यहां पर दया प्रदान करने वाला जल बन जाती है। समुद्र की विराट लहरें भी यहां आकर अपने लिए किनारा पा लेती हैं। और आखिरी पद है जिसमें कहा गया है, प्रातः काल का कोमल सूर्य
अपने हाथों में सोने का घड़ा लेकर मेरे सुखों को उसमें भरता है और ढुलकाता है। जब हम निद्रा के मद में खोए हुए रहते हैं, उस समय रात तारों को अपने आंचल में भर रही होती है और उसके आंचल में भरे हुए ये सारे तारे ऐसे ओनींदे लगते हैं जैसे वे नशे में हो। और अब इसका काव्य सौंदर्य। पहला, प्रसाद जी की काव्य भाषा अत्यंत प्रांजल है। दूसरा, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, यहां मानवीकरण अलंकार है। तीसरा, लघु सुरधनु से पंख पसारे, इसमें उपमा अलंकार है। उड़ते खग जिस ओर मोह किए, समझ नील निज प्यारा, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। और पांचवा है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। छठवा है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि हेम कुंभ के साथ हेम को कुंभ बना दिया गया है। भाव सौंदर्य, भारत देश की विशेषताओं का चित्रण किया गया है और दूसरा, भारत की प्राकृतिक और भावनात्मक सुंदरता का भी मनोहारी चित्रण है। और अब हम करते हैं इसी गीत पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, पहला, भारत में सूर्य सबसे पहले उदित होता है। दूसरा, यहीं पर आसमान और धरती के मिलन बिंदु अर्थात क्षितिज को भी जैसे आश्रय मिल जाता है। तीसरा है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सबसे निराला है। और चौथा है, यहाँ सबके प्रति करुणा की भावना मिलती है। प्रश्न दूसरा, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उत्तर है, बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारत में अपरिचित लोगों के प्रति भी अपार करुणा होती है। उड़ते खग ऐसे लोगों की ओर संकेत है जो भारत के बाहर से आते हैं और उन्हें यह अपना ही घर लगता है। और अब तीसरा प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो इन पंक्तियों में जहां काव्य सौंदर्य है वे इस प्रकार हैं कि यहां पर उषा का मानवीकरण कर उसे ऐसी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है जो पानी भर रही हो, और अन्य जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला, इसमें मानवीकरण अलंकार है। दूसरा, गेयता का गुण है। तीसरा, जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है। हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। और मंदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा में विरोधाभास अलंकार है। जब हम निद्रा के मद में खोए रहते हैं तब रात जाग कर अपने आंचल में तारों को भरती रहती है और उस रात के आंचल में भरे हुए ये तारे उनींदे प्रतीत होते हैं। प्रश्न चौथा, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। भारत एक उदार देश है, सबको अपना लेता है। और अब प्रश्न पांचवा, प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल हैं, कविता से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर है, पहला, जीवन में अप्राप्त प्रेम से उत्पन्न पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले उनके शब्दों को देखिए। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। दूसरा है, उम्मीद के बावरेपन पर वे लिखते हैं, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी
सकल कमाई, और तीसरा जीवन जब भार प्रतीत होने लगे उस पर कवि कहते हैं, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न समलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गमाई। प्रश्न छठवां है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है कि पहला, रस से भरे हुए लाल रंग वाले कमल पुष्प पर छाई किरणों पर पेड़ की एक सुंदर शाखा डोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वह नाच रही हो, मानो उसने अपने जीवन की हरितिमा पर लाल रंग का शुभ कुमकुम भी छिटक दिया हो। दूसरा, छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे लगने वाले रंगीन पक्षीगण अपने पंखों को फैलाकर मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा का आश्रय पाकर उड़ रहे हैं, और वे भारत में अपने लिए घोंसला पाने की उम्मीद से इसी ओर आ रहे हैं। और तीसरा है, प्रातःकाल का कोमल सूर्य अपने हाथों में सोने का घड़ा लेकर मेरे सुखों को उसमें भरता है और फिर ढुलका भी देता है। जब हम सब निद्रा के मद में खोए रहते हैं उस समय रात का आंचल उन्हीं दे तारों से भर रहा होता है। और अब योग्यता विस्तार वाले प्रश्नों को भी देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कविता में आए प्रकृति चित्रों वाले अंश छांटिए और उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। पहला है, सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, तालाब में स्थित कमलों पर पड़ने वाली रोशनी में वृक्षों की पतली शाखाएं नाचती सी प्रतीत हो रही हैं। दूसरा, लघु सुर धनुषे पंख पसारे शीतल समय समीर सहारे। इसे इस तरह लिखा जाएगा, मलय पर्वत से आने वाली हवा के सहारे छोटे पंखों वाले सुंदर पक्षी उड़ते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आसमान में इंद्रधनुष निकल आया हो। प्रश्न दूसरा, भोर के दृश्य को देखकर अपने अनुभव को काव्यात्मक शैली में लिखिए। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, आहा कितनी सुहानी सुबह है, लगता है अभी अभी मुंह धोकर टहलने निकली हो, पक्षियों का कलरव एक आध्यात्मिक संगीत सुना रहा है, आसमान का धूसर रंग मन में उल्लास भर रहा है। तो यह था जयशंकर प्रसाद जी के दूसरी रचना कार्नेलिया के गीत के शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वाला अंश। अगली बार हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।